हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हम लोग एक्सरसाइज 3 बी तक हम लोग पढ़ चुके थे और उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका डिस्कस करना है। तो जैसे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना डायगोनल मेथड के द्वारा, एक होता है डायगोनल मेथड, इसकी मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको 58 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है डायगोनल मेथड से, तो पहले एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे, चूंकि इसमें दो डिजिट है इसलिए इसको दो पार्ट में बांटेंगे, इधर से भी दो पार्ट में बांटेंगे इधर से, और फिर क्या करना है इसमें डायगोनल बनाना है। ऐसे डायगोनल बनाएंगे, इसका ये डायगोनल बनाएंगे, इसका डायगोनल बनाएंगे और इसका ये डायगोनल बनाएंगे। फिर यहाँ पे 58 यहाँ पे लिखेंगे और एक 5 और एक यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद 5 या 25 तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, 5 जा 40 यहाँ पे 4 यहाँ पे 0, 8 जा 40 यहाँ पे 4 यहाँ पे 0, 8 जा 64 यहाँ पे 6 यहाँ पे 4। अब क्या करना है, ये वाला पार्ट ये 4 है, फिर ये पूरा ये लेना है, ठीक है, इस पूरे को लेना है। इस पूरे को जैसे यहां से लेंगे ऐसे करके तो सबको जोड़ेंगे 600, सब मिलकर जुड़ जाएगा वो 6 होगा। फिर ये वाले पार्ट को लेंगे, ये वाला पार्ट जो है वो 4, 5, 9, 4, 13, तो 13 का 3 लिखेंगे कैरी 1 और 2 में फिर 1 ऐड हो जाएगा तो 3, ठीक है। यानी 58 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो 3, 3, 6, 4 के बराबर, ठीक है। 58 का स्क्वायर 3, 3, 6, 4 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया जैसे कि दो डिजिट का, अगर 3 डिजिट का स्क्वायर अगर बोलेगा, ठीक है, 3 डिजिट का अगर स्क्वायर अगर बोलता है तो जैसे कि स्क्वायर बना लेंगे और उसको 3 कॉलम में बांटेंगे, 1, 2, 3, इधर से भी 3 कॉलम में, 1, 2, 3। अब जैसे कि अगर हमको 276 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, 276 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो 276 ऐसे लिख दिए, फिर 276, फिर उसके बाद फिर डायगोनल बना देंगे। डायगोनल सबका बना देना है, सबका डायगोनल ऐसे करके बना देंगे। फिर इसके बाद जो है 2, 2 जा 4 तो 0, 4 लिखेंगे, 2, 7 जा 14 तो 1, 4, 2, 6 जा 12 तो 1, 2, 7, 2 जा 14 तो 1, 4, 7, 7 जा 49 तो 4, 9, 7, 6 जा 42 तो 4, 2, 6, 2 जा 12 तो 1, 2, 6, 7 जा 42 तो 4, 2, 6, 6 जा 36 तो 3, 6, ये हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये 6 उतारेंगे, फिर उसके बाद ये वाला ये जो पोर्शन है तो 3, 2, 5, 2, 7, फिर ये वाला 4, 2, 6, 9, 15, 4, 19, 2, 21, तो 21 है, तो 21 का 1 लिखेंगे कैरी 2, फिर 4, 1, 5, 4, 9, 4, 13, 1, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का 6 लिखेंगे कैरी 1, फिर इसका 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 और ये है 0, ठीक है। तो यानी 276 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 76176, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायगोनल मेथड के द्वारा जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज 3C जो है इसको समझकर बना लेना है, और इसके बाद एक्सरसाइज 3D भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का, तो वो वाला भी बताया जा चुका है ऑलरेडी। एक्सरसाइज 3C और 3D जो है वो पूरा बना लेना है, कोई भी दिक्कत होगी तो उसको पूछ लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना है, यहाँ पे अच्छे से वीडियो को देख के समझना है इसको, ठीक है, समझ के इसको बनाइए। थैंक यू।